हेलो। तो कल हमने देखा हेलो एलियंस तथा हेलो एरिन्स के बारे में। हेलो क्या होता है, हेलोजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे हेलो एलियंस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एलियंस। ठीक है, तो हेलो एलियंस का वर्गीकरण हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा है CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, हेलो एलियंस का वर्गीकरण दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा क्या है, CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। तो हम लोग इसमें से पहला को पहले देखते हैं। पहला क्या है, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो हेलो एलियंस का वर्गीकरण हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर करते हैं, जब क्या मिलता है, यह दो भाग में बढ़ता है। पहला होता है मोनो एलियंस, पहला होता है मोनो मोनो हेलो एल्केन्स। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा पाली हेलो एल्केन्स। ठीक है, जब हेलो एल्केन्स को हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बांटते हैं ना, तो वो दो भागों में उनका वर्गीकरण करते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स और पाली हेलो एल्केन्स। तो देखो, पाली मतलब क्या होता है, जब कोई संख्या या फिर कोई चीज एक से अधिक, बहुत अधिक होती है, तब हम लोग उसमें क्या डालते हैं, पाली डालते हैं। जैसे अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना है, अगर प्रोटीन बहुत से अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, एन डाल देते हैं। एन हमारा क्या होता है, पाली को दर्शाता है या फिर मोलर को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, पाली। पाली मतलब वो एक से अधिक अधिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पाली हेलो एल्केन्स क्या है। अच्छा, मोनो हेलो एल्केन्स क्या है, मोनो हेलो मतलब, हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन से। मोनो हेलो है, इसका मतलब ये है कि उसमें हेलोजन कितना होगा, मोनो मतलब एक होगा, मोनो हेलो का मतलब उसमें कितना हेलोजन होगा, उस एल्केन में मोनो हैलोजन है, मतलब उस एल्केन में कितना हैलोजन है, एक्स मतलब एक, जैसे कि CH3 है और Cl है, इसमें हैलोजन कौन सा है, ये एल्केन ग्रुप कौन सा है, मतलब एल्केन ये तब होगा जब ये एक्शन में CH4 रहेगा। तो एक हाइड्रोजन को हटा के उसमें Cl लगाए हैं, CH3Cl, ये मोनो हैलोजन होगा या फिर मोनो हैलो एल्केन्स होगा। हाँ, क्योंकि इसमें एक हैलोजन है और ये एल्केन्स ग्रुप जो अभी एल्कीन में बदला है, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मोनो हेलो एल्केन्स। तो अब यहाँ पे देखते हैं पाली हेलो एल्केन्स। देखो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, पाली हेलो एल्केन्स को तीन पार्ट में और बांटा गया है। पहला है डाई, दूसरा है डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। दूसरा क्या है, पाली हेलो एल्केन्स को दो, देखो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन्स को दो भागों में बांटते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स और पाली हेलो एल्केन्स। उसके बाद पाली हेलो एल्केन्स को तीन भाग में बांटते हैं, डाई हेलो एल्केन्स और ट्राई हेलो एल्केन्स, और तीसरा क्या हो जाएगा, ट्राई के बाद क्या आता है, टेट्रा टेट्रा हेलो एल्केन्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको अच्छे से देखते हैं कि कैसे मैं उसको मोनो हेलो एल्केन्स में बांटते हैं, कैसे पाली हेलो एल्केन्स में बांटते हैं। इसको पहले एक बार देख लीजिए आप लोग। देखो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन्स को दो भागों में बांटा था हमने, मोनो हेलो एल्केन्स और पाली हेलो एल्केन्स। उसके बाद पाली हेलो एल्केन्स को डाई ट्राई टेट्रा में बांटे थे। अब देखते हैं किस तरह से हेलो एल्केन्स और मतलब डाई ट्राई टेट्रा में वो किस तरह से बढ़ता है। तो एल्केन्स ले है सबसे सिंपल हमारा CH4। तो CH4 में अगर इसको देखना, हाँ CH4 है, अगर इसमें एक हाइड्रोजन हटाएं
और एक सी एल जोड़ें, ठीक है। क्या किए हमने, इसे हमने क्या किया, इसमें एक हाइड्रोजन हटाए हैं और एक सी एल जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर सी एच फोर में एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एच थ्री, और एक सी एल, ये सी एच फोर है, ठीक है, सी एच फोर में एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो सी एच थ्री बन रहा है, और एक सी एल, ये क्लोरीन है ना, एक सी एल जोड़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन। अब यहाँ पे देखो इसमें हैलोजन कितना है, एक है, मतलब मतलब हैलोजन ग्रुप कितना है, एक है, मतलब मोनो है, मोनो हैलोजन है, और क्या है, हेलो, मतलब एल्केन से ही तो बना है ना, एल्किन, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक है। इसमें हम लोग डायरेक्ट सी एल को नहीं जोड़ सकते है ना, क्योंकि कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, चार। अगर इसमें मैं जोड़ दूँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे और क्लोरीन को कहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि हाँ कार्बन तो हमेशा चार बॉन्ड बनाता है ना, तो इसमें तो हम लोग नहीं जोड़ सकते। ये सी एच थ्री इसका ही डेरिवेटिव है, तो इसी कारण हम लोग इसको क्या लिए हैं, सी एच थ्री लिए हैं। ये समझ में आ गया, ये मोनो हेलो एल्केन्स है क्योंकि इसमें हेलोजन कितना है, एक है। उसके बाद इसको ही देखें, इसमें अगर एक हाइड्रोजन जोड़ें और एक क्लोरीन फिर से ऐड करें, इसमें ना सी एच थ्री सी एल में एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सी एच टू आ जाएगा, सी एच थ्री है, इसमें एक हाइड्रोजन को निकालना है तो क्या हो जाएगा, सी एच टू हो जाएगा, और क्या ऐड करना है, एक क्लोरीन ऐड करना है, एक क्लोरीन इसमें पहले से है, एक और क्लोरीन आकर के जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सी एल टू। यहाँ पे देखो हैलोजन ग्रुप कितना है, यहाँ पे डाई है, डाई हेलो एल्केन्स, ऐसा एल्केन्स जिनमें हैलोजन कितना हो, हेलो कितना हो, डाई दो है ना यहाँ पे, तो सी एच टू सी एल टू हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन्स में फिर से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और सी एल ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, सी एच टू है, एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सी एच आ जाएगा, और यहाँ पे एक क्लोरीन और ऐड करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी सी एल टू है, और एक क्लोरीन और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी एल थ्री। उसी तरह टेट्रा हेलोजन में, अच्छा यहाँ पे देखो ट्राई हेलो है, हेलोजन कितना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब क्या होता है, हेलोजन ग्रुप होते हैं, तो हेलोजन कितना है यहाँ पे, सी एल थ्री, ट्राई है ना, यहाँ पे टेट्रा हेलो एल्केन्स है, मतलब ये क्लोरीन कितना होगा यहाँ पे, फोर, समझ में आ रहा है, सी एल, ठीक है। ऐसे बस करते जाना है, एक हाइड्रोजन निकालते जाना है, एक क्लोरीन ऐड करते जाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो सी, और यहाँ पे सी एल थ्री है, एक क्लोरीन और ऐड करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये सी सी एल फोर, टेट्रा हेलो है, मतलब हेलोजन कितना है, चार है, हाँ है, तो हो गया ये। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार से होगा आपका, एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स और टेट्रा हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एल्केन्स में कितना क्लोरीन होगा, कितना हेलोजन ग्रुप होगा, एक होगा। डाई हेलो एल्केन्स में कितना होगा, दो होगा। ट्राई हेलो एल्केन्स में कितना हेलोजन होगा, तीन होगा। टेट्रा हेलो हेलो एल्केन्स में कितना हेलोजन होगा, चार होगा। ठीक है, समझ में आ गया, इसको एक बार फिर से देख लेना, इसको बना के देख लेना, बहुत सिंपल है, बन जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, सबसे पहले एक मेथेन लिए हैं, उसमें से हाइड्रोजन को हटाते गए और क्लोरीन जोड़ते गए, फिर यहाँ पे जो मिला प्रोडक्ट मिला उसमें फिर से हाइड्रोजन हटाएं और क्लोरीन जोड़े, उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला उसमें फिर से मतलब हाइड्रोजन हटाए और फिर क्लोरीन जोड़े, फिर यहाँ पे जो मिला उसमें एक हाइड्रोजन हटाए और फिर क्लोरीन जोड़े, सेम वही प्रोसेस चलता जा रहा है। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं, पहला तो हो गया हमारा, सेकेंड क्या है, सी एक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने देखा था हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण, जिसमें पहले प्रकार मतलब हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण, इसको हम लोग देख चुके थे। सेकंड हमारा है सी एक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो मोनो हेलो एल्केन्स होता है ना, उसको सी एक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर और बहुत से भागों में बांटते हैं।
मोनोहैलोएल्केन्स को सी एक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर हम लोग और भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैलोजन होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर, यहाँ पे जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर सी एक्स आबंध को तीन भाग में बांटते हैं। तो हाँ, सी एक्स आबंध को और तीन भाग में बांटते हैं, किसके आधार पर, इस कार्बन की प्रकृति के आधार पर। यहाँ पे जो कार्बन दिख रहा है ये एल्केन हो सकता है, एल्किन हो सकता है और एल्काइन भी हो सकता है। और यहाँ पे जो हैलोजन है वो तो हैलोजन है, मतलब यहाँ पे फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सी एक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। मोनो हैलो एल्केन्स को और तीन भाग में, मोनो हैलो एल्केन्स को कार्बन की प्रकृति के आधार पर और तीन भाग में बांटते हैं, जिसमें से पहला है हमारा सी एस पी थ्री एक्स आबंध युक्त यौगिक, दूसरा है सी एस पी टू एक्स आबंध युक्त यौगिक, तीसरा है सी एस पी एक्स आबंध युक्त यौगिक। अच्छा, अब आप लोग ये देखो कि यहाँ पे जो कार्बन है sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है और sp भी हो सकता है, ऐसा क्यों है? यहाँ पे x जो दिख रहा है वो सिर्फ हैलोजन ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन जो दिख रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और sp हाइब्रिडाइजेशन भी शो कर सकता है। तो ऐसा क्यों है? यहाँ पे देखो, कार्बन 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 के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाता है? sp3, ठीक है। कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, कैसे में? यहाँ पे देखो, सिंगल बॉन्ड हमेशा, सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा होता है। सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा। और सिग्मा ही बताता है कि वो कौन सा संकरण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सिग्मा है? एक दो तीन चार। तो ऐसा कौन सा संकरण है जिनमें चार कक्षक होते हैं? क्या एसपी में चार कक्षक है? नहीं, एसपी में तो एस का एक कक्षक है, पी का एक कक्षक है। एसपी टू में क्या चार कक्षक है? इसमें भी नहीं है, क्योंकि पी में दो कक्षक, पी का दो कक्षक, एस का एक कक्षक, टोटल कितने कक्षक हो गए इसमें? तीन कक्षक। एसपी थ्री में क्या होता है? पी का तीन कक्षक और एस का एक कक्षक। तो sp3 ये वाला मतलब कार्बन में जब भी सिंगल बॉन्ड, कार्बन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वो कौन सा संकरण होगा? sp3, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो वो कौन सा संकरण होगा? sp2। कैसे में होगा? क्योंकि देखो, कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? चार बॉन्ड, चार बॉन्ड बनाता है ना। तो यहाँ पे एक कार्बन के लिए कितना है? एक दो। और कितना बॉन्ड बनाए इसको? और दो बनाना है हमें, एक कार्बन के देखना है ना। तो यहाँ पे एक कार्बन का देखते हैं, एक दो तीन चार बॉन्ड हो गया। सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सिग्मा। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है मतलब क्या हो जाएगा? सिग्मा। और डबल बॉन्ड है तो एक एक पाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एक सिग्मा। अगर कार्बन के बीच जब कभी भी डबल बॉन्ड होता है तो वो कौन सा संकरण शो करेगा? एसपी टू। क्यों शो करेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो कि टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक दो और तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड हैं। तो ऐसा कौन सा संकरण है जिनमें तीन कक्षक भाग लेते हैं? sp2 में तो ही भाग लेते हैं ना, p का दो कक्षक और s का एक कक्षक, टोटल तीन कक्षक किसमें भाग लेते हैं? हाँ, टोटल तीन कक्षक किसमें भाग लेते हैं? sp2 में। तो ये कार्बन के बीच जब कभी भी डबल बॉन्ड है तो वो कौन सा संकरण शो करेगा? हमारा sp2, ठीक है। अब उसके बाद एक और है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया, डबल बॉन्ड है। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कौन सा संकरण शो करेगा? देखो, यहाँ पे एक कार्बन एक दो तीन बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे एक बना आ जाएगा, यहाँ पे एक और आ जाएगा, हमें एक कार्बन का देखना है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ऊपर वाला पाई, नीचे वाला पाई और बीच वाला क्या होता है? सिग्मा। यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये वाला बीच वाला क्या होगा? सिग्मा। मैं यहाँ पे लिखी हूँ। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक और दो। पाई बॉन्ड ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सा संकरण होगा, पाई बॉन्ड डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सा संकरण होगा, सिर्फ कौन डिसाइड करेगा?
सिग्मा बन बताएंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण होता है। तो यहाँ पे टोटल दो सिग्मा बन है, इसका मतलब ऐसा कौन सा संकरण है जिसमें दो कक्षक भाग लेते हैं। तो ये कौन सा है, एस पी में एस का एक कक्षक भाग लेता है, पी का एक कक्षक भाग लेता है, तो ये कौन सा संकरण हो जाएगा, एसपी। ठीक है, एसपी थ्री कब होता है, एसपी थ्री संकरण कब होता है, जब कार्बन में सिंगल बन हो। एसपी टू संकरण कब होता है, जब कार्बन में डबल बन हो। एसपी संकरण कब होता है, जब कार्बन में ट्रिपल बन हो। यह समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, तो हमने देखा सी एक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर जो कार्बन होता है उसको तीन भाग में बांटते हैं, सी एस पी थ्री एक्स आबंध युक्त यौगिक, सी एस पी टू और सी एस पी एक्स आबंध युक्त यौगिक। ठीक है, अब इसमें जो पहला है हमारा सी एस पी थ्री एक्स आबंध युक्त यौगिक, इसको और तीन भाग में बांटते हैं। इसको और कितने भाग में बांटते हैं, तीन भाग में, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स, इसको हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं। दूसरा क्या है, एलिलिक हैलाइड, और तीसरा क्या है, प्रोपेगिल हैलाइड। सी एस पी थ्री एक्स आबंध युक्त यौगिक को तीन भाग में बांटते हैं, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और प्रोपेगिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आर और एक्स। यहाँ पे आर क्या है, एल्किल ग्रुप शो करता है, एक्स क्या है, हैलोजन ग्रुप, या फिर हैलोजन को और क्या बोलते हैं हम लोग, हैलाइड। तो यहाँ पे R एल्किल ग्रुप को दर्शाता है और X हैलाइड ग्रुप को दर्शाता है। तो एल्किल हैलाइड में क्या होता है, वे हैलाइड जो सीधे एल्किल समूह से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड, या फिर वे हैलोजन जो सीधे एल्किल ग्रुप से जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे R की जगह में कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं हम लोग, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेथिल। ठीक है, एस की जगह में क्या ले रहे हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, सबसे सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एल्किल हैलाइड को और तीन भाग में हम लोग बांटते हैं। एल्किल हैलाइड को और कितने भाग में बांटते हैं, तीन भाग में। इसमें से पहला क्या है आपका, अच्छा तो हमने देखा यहाँ पे कि एल्किल हैलाइड को और कितने भाग में बांटते हैं, और तीन भाग में बांटते हैं। कहाँ पे लिखा जाए इसको, अच्छा यहाँ पे लिख रहे हैं ना, एल्किल हैलाइड को और कितने भाग में बांटते हैं, तीन भाग में। किस तरह से बांटते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो आपका CH3Cl है, इसको अच्छे से लिख रहे हैं, कार्बन है और कितना हाइड्रोजन कितना है, तीन है ना। अगर एल्किल हैलाइड को और तीन भाग में बांटते हैं ना, तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, इसमें एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और इसके जगह में एक क्या ले आएंगे, एक एल्किल ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, इस हाइड्रोजन को हटा दिए, इसी के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पे CH3 था तो एक हाइड्रोजन को हटा दिए, उसके जगह में क्या लगा दिए, एक एल्किल ग्रुप। यहाँ पे एल्किल ग्रुप कितने हैं, एक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्यों प्राथमिक एल्किल बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया, प्राथमिक एल्किल और हैलाइड। दिख नहीं रहा होगा, तो इसका नाम क्या है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब क्या मिल गया आपको, सी, यहाँ पे क्या है आर, यहाँ पे क्या है एक्स, मतलब चलो क्लोरीन ही लेते हैं, क्लोरीन, यहाँ पे क्या है एच और यहाँ पे क्या है एच। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को और हटाएंगे और उसके जगह में क्या डाल देंगे, फिर एक एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन था एक और, उसको हटा दिए और वहां पे एक और एल्किल ग्रुप जोड़ दिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। दो एल्किल है तो क्या हो जाएगा इसका नाम, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसको अच्छे से, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अगर और क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर
क्या है एल्के ग्रुप है, यहाँ पे क्या है एल्के ग्रुप और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है क्लोरीन। तो यहाँ पे देखो दो एल्के ग्रुप है एक हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन को हटाएं और इसके जगह में एक और एल्के ग्रुप लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, कितने एल्किल हैं, एक दो और तीन, तो ये क्या हो जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड, इसमें नाम है आ जाएगा यहाँ पे तृतीयक एल्किल और हैलाइड, ये समझ में आ गया। अगर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो क्या हो जाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दो एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तीन एल्किल ग्रुप तृतीयक एल्किल हैलाइड है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि एल्किल हैलाइड को तीन पार्ट में बांटे थे, अब दूसरा पार्ट क्या है CsP3X आबंध युक्त यौगिक में दूसरा क्या है एलिलिक हैलाइड, तो इसको देखते हैं, ठीक है। एलिलिक हैलाइड क्या होता है, जब कोई हैलाइड द्विबंध युक्त कार्बन से, ठीक है, जब कोई हैलाइड द्विबंध युक्त कार्बन के समीप sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं एलिलिक हैलाइड। उदाहरण में यहाँ पे देखो ये द्विबंध युक्त कार्बन है, ये द्विबंध युक्त कार्बन है यहाँ पे और आ जाएगा कुछ, या फिर यहाँ पे CH2 डाल देते हैं, ये दिख नहीं रहा होगा, द्विबंध युक्त कार्बन, द्विबंध युक्त कार्बन से जब कोई sp3 को CH3 डाल देते हैं, हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और X। एलिलिक हैलाइड में होता क्या है, द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़े sp3 कार्बन से जब कोई हैलाइड जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं एलिलिक हैलाइड। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये कार्बन क्या है दो बंध से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड से युक्त कार्बन से कोई sp3 कार्बन जुड़ा है, यह है हमारा sp3 कार्बन, क्योंकि इसमें सभी जगह क्या है सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, और इसको अच्छे से अगर बनाए डील करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन कितना है दो है, ऊपर में एक हाइड्रोजन नीचे में एक हाइड्रोजन और बगल में क्या है एक हैलोजन जुड़ा है, ऐसा है ना ये। तो यहाँ पे देखो जब कोई हैलाइड जो होता है द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन के sp3 कार्बन से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं एलिलिक हैलाइड। यहाँ पे जो हैलाइड रहेगा या फिर जो हैलोजन रहेगा वो उस कार्बन से जुड़ता है जो sp3 होगा, यहाँ पे जो हैलाइड होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जो sp3 कार्बन होगा, और ये sp3 कार्बन डबल बॉन्ड युक्त कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, ये sp3 कार्बन डबल बॉन्ड युक्त कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसको उदाहरण ये आ जाएगा, इसको लिख लेना आप लोग, कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड युक्त कार्बन बनाना है और उस कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन बनाना है और उस sp3 कार्बन से कोई हैलोजन जोड़ देना है, तो एलिलिक हैलाइड हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है प्रोपेगिल हैलाइड, ये इसका उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद क्या है प्रोपेगिल हैलाइड क्या होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड से युक्त, इसमें क्या होता है इसमें हैलाइड जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से युक्त कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से युक्त कार्बन से जब कोई sp3 कार्बन जुड़ा होता है उसमें जुड़ता है, इसमें जो हैलाइड होता है, इसमें जो हैलाइड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से युक्त कार्बन से जुड़े sp3 कार्बन से जुड़ता है या फिर बंध बनाता है। प्रोपेगिल हैलाइड का उदाहरण देख लो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से युक्त कार्बन है और इस ट्रिपल बॉन्ड से युक्त कार्बन से कोई sp3 कार्बन जुड़ा रहता है, ठीक है, इस ट्रिपल बॉन्ड से युक्त कार्बन से जब कोई sp3 कार्बन जुड़ा रहता है उससे हैलोजन क्या होता है बंध बनाता है। प्रोपेगिल हैलाइड में जो हैलोजन होता है या फिर जो हैलाइड होता है ट्रिपल बॉन्ड से युक्त कार्बन से जुड़े sp3 कार्बन से बंध बनाता है। एक बार फिर से, प्रोपेगिल हैलाइड में हैलोजन
ट्रिपल बंड से युक्त कार्बन से जुड़े sp3 कार्बन से बंद बनाता है। समझ में आ गया? एल्किल हैलाइड में क्या होगा, एक हैलोजन ग्रुप होगा। शुरू से देखा है, एल्किल हैलाइड में क्या होता है, एक हैलोजन ग्रुप होता है और एक एल्किल ग्रुप होता है। एल्लिक हैलाइड में डबल बन युक्त कार्बन होता है और उस डबल बन युक्त कार्बन से कोई sp3 कार्बन जुड़ता है और उस sp3 कार्बन से हैलोजन बंद बनाता है। प्रोपेगिन में क्या होता है, ट्रिपल बंड से युक्त कार्बन होता है और इस ट्रिपल बंड से युक्त कार्बन से कोई sp3 कार्बन होता है, उससे हैलोजन जाकर के बंद बनाता है। समझ में आ गया? एल्किल में सिंगल बंड होगा, एलिलिक में डबल बंड वाला होगा और प्रोपेगिन में ट्रिपल बंड वाला होगा। ये तो हमारा ये कम्प्लीट हो गया कि CsP3 एक्स आबंध युक्त यौगिक। अब सेकेंड है हमारा CsP2 एक्स आबंध युक्त यौगिक। अब देख रहे हैं CsP2 एक्स आबंध युक्त यौगिक। यहाँ पे आबंध युक्त यौगिक मैं नहीं लिखी हूँ, लिख लेना CsP2 एक्स आबंध युक्त यौगिक। इसमें क्या होता है, इसमें जो हैलोजन होता है डबल बंड से युक्त कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है या फिर बंद बनाता है। इसमें जो हैलोजन होता है CsP2 मतलब डबल बंड से युक्त कार्बन या फिर डबल बंड से जुड़े हुए कार्बन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डबल बंड सी और एक्स, इसका मतलब क्या है, इसमें जो हैलोजन होता है सीधे डबल बंड से युक्त कार्बन से ही जुड़ा होता है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे इसकी संयोजकता को देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। और यहाँ पे एक एक्स, अगर इसको, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, CH2X, ठीक है। यहाँ पे X जो है इससे जुड़ा रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो हैलोजन होता है डायरेक्टली डबल बंड से युक्त कार्बन से ही जुड़ा रहता है। यहाँ पे जो हैलोजन है उसको बंड बना दे रहे हैं क्योंकि ऐसे में संयोजकता पूरा नहीं हो पा रहा है, ये है, ठीक है। CsP2X आबंध युक्त यौगिक में जो हैलोजन होता है डबल बंड युक्त कार्बन से आबंध बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा CsPX आबंध युक्त यौगिक। कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन कब बनाता है, जब कार्बन में ट्रिपल बंड होता है। कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन कब बनाता है, जब कार्बन में क्या होता है, ट्रिपल बंड होता है, ठीक है। तो इसमें जो हैलोजन होगा उस कार्बन से जुड़ता है या फिर इसमें जो हैलाइड ग्रुप होता है वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो ट्रिपल बंड से युक्त होता है या फिर जो ट्रिपल बंड बनाता है, जैसे कि ये हो गया। इसमें हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो इधर क्या बनाया है, ट्रिपल बंड। तो ये समझ में आ गया, CsP3 CsP2 और CP। CP में क्या होता है, सॉरी CsP एक्स आबंध युक्त यौगिक में हैलोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जो ट्रिपल बंड युक्त होता है। और CsP2 एक्स आबंध युक्त यौगिक में क्या होता है, जो हैलोजन होता है उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जो डबल बंड युक्त होता है। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया हमारा हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। पहला हमने देखा था हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा था CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। CX आबंध की प्रकृति के आधार पर जो मोनो हैलो एल्केन्स होता है उनको तीन भाग में बांटते हैं, CsP3 एक्स आबंध युक्त यौगिक, CsP2 एक्स आबंध युक्त यौगिक और CsP एक्स आबंध युक्त यौगिक। अब हम देखते हैं हैलो एल्केन्स का नामकरण, ठीक है। अब देखते हैं हैलो एल्केन्स का नामकरण, ठीक है। हैलो एल्केन्स का नामकरण हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, पहला है साधारण पद्धति, दूसरा है IUPAC पद्धति। पहला क्या है, कॉमन सिस्टम, एंड सेकंड क्या है, IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन पब्लिक एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन पब्लिक एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हैलो एल्केन्स का नामकरण साधारण पद्धति में या फिर कॉमन सिस्टम में किस प्रकार किया जाता है। पहला कॉमन सिस्टम को देख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखी हूँ CH3 CH2 Br, ठीक है, CH3 CH2 Br।
तो कॉमन सिस्टम में क्या करते हैं, जो एल्किल समूह रहेगा उसका नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो प्रतिस्थापी रहेगा उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे एल्किल समूह कौन सा है हमारा, CH3CH2, कार्बन दो है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, एल के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये एल्किल फॉर्म में लिखाएगा। साधारण पद्धति में जो श्रृंखला होती है उसको एल्किल फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे दो कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल। दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथिल। एल्किल के फॉर्म में लिखना है ना साधारण पद्धति में। उसके बाद Br जुड़ा है तो यहाँ पे ब्रोमाइड आएगा, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, CN जुड़ा है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि कॉमन सिस्टम को पहले देख रहे हैं, तो कॉमन सिस्टम में क्या होगा, पहले ये देखना है कि एल्किल मतलब कॉमन सिस्टम में क्या करते हैं, एल्किल फॉर्म में नाम को लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एल्किल फॉर्म कौन सा है, ये वाला, ये एक सीधी श्रृंखला है और यहाँ पे एक प्रतिस्थापी जुड़ा है, क्लोरीन। अच्छा, प्रतिस्थापी क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और जो इधर शाखा युक्त रहता है CH3 आ जाएगा, CH2, C2H5, जो इधर शाखा में जुड़ा रहता है, ये सभी किस में आ जाएंगे, प्रतिस्थापी में। तो कॉमन सिस्टम में पहले एल्किल का नाम लिखा जाता है, एल्किल फॉर्म कौन सा है हमारा, ये सभी, ठीक है। कार्बन कितना है, 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल। और प्रतिस्थापी कौन सा जुड़ा है, क्लोराइड, आइड के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, क्लोराइड, ठीक है। और देखते हैं CH3, CH2, 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 और क्या आ जाएगा, आयोडीन। तो यहाँ पे सबसे कॉमन सिस्टम में पहले किसको देखना है, जो एल्किल फॉर्म है हमारा, मतलब जो चैन जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3, 4, चार कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, और क्या है यहाँ पे, आयोडीन जुड़ा है, ठीक है, ब्यूटीन और क्या है, आयोडीन जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, आयोडाइड। ये समझ में आ गया होगा, कॉमन सिस्टम में कुछ नहीं करना है, जो एल्किल फॉर्म है उसका पहले नाम लिखना है, उसके बाद जो प्रतिस्थापी जुड़ा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसका नाम लिखना है, ठीक है। अब आगे उदाहरण देखते हैं, तो यहाँ पे देखो कॉमन सिस्टम का ही उदाहरण देख रहे हैं, मतलब साधारण पद्धति का ही उदाहरण देख रहे हैं। यहाँ पे एक चैन भी है, मतलब एल्किल फॉर्म भी जुड़ा है, और साथ में यहाँ पे एक और प्रतिस्थापी है, और यहाँ भी प्रतिस्थापी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी प्रतिस्थापी में आएंगे ना। तो यहाँ पे शाखा में एक और समूह जुड़ा है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, अब तो कॉमन सिस्टम को देख रहे हैं ना, इसी का उदाहरण है, ये कॉमन सिस्टम का ही उदाहरण है, अभी IUPAC में नहीं आए हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे इसको पहचानना है कि यहाँ पे CH3 किस कार्बन पे जुड़ा है, अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पे जुड़ा है, इधर से कितने स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि क्लोरीन इधर जुड़ा है, तो अंतिम कार्बन से पहले अगर कोई एल्किल समूह जुड़ा है, तब वहां साधारण पद्धति में नियो लगाते हैं, ठीक है। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, एक मिनट, नियो। अंतिम कार्बन इधर से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, अंतिम कार्बन के पहले कार्बन पर जब कोई एल्किल समूह जुड़ा रहता है तो उसमें साधारण पद्धति में नामकरण करते हुए नियो लगाते हैं, और यहाँ पे जितना एल्किल ग्रुप है, मतलब जितना कार्बन है उसका नाम रखते हैं, कितना कार्बन है, 1, 2, 3 और 4, इधर से गिनने स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 और 4। साधारण पद्धति में एन फॉर्म में नहीं लिखा जाता, कौन से फॉर्म में लिखा जाता है, एल्किल फॉर्म में। तो कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो नियो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल,
और क्या लिखना है लास्ट में, कौन सा प्रतिस्थापी है? क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड मतलब क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक, ये समझ में आ गया। अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर जब कोई एल्किल समूह जुड़ा रहता है तो साधारण पद्धति में क्या डालते हैं, नियो डालते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, CH3CH2। एक सेकंड ना, CH2 और आ गया यहाँ पे आपका क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे जुड़ा है एक CH3, यहाँ पे जुड़ा है एक CH3, ऊपर में भी और नीचे में भी। ठीक है, एक दो तीन चार, यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। अब ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जब इसमें चलो एक और डाल देते हैं CH2 और ब्रोमीन डाल देते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है ना, तो इसमें देखो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, साधारण पद्धति में, साधारण पद्धति में जब कोई श्रृंखला होती है और उसमें अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर जब दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, ठीक है, अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर जब दो एल्किल समूह उसी कार्बन पे ना, एक ही कार्बन पे जुड़े रहेंगे, तब वहां पे क्या लगाते हैं, आइसो। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आइसो। अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर जब एल्किल समूह जुड़ा रहता है तब नियो लगाते हैं, और अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर जब दो एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं तब वहां पे क्या लगाते हैं, आइसो लगाते हैं। ठीक है, सेम होने चाहिए ना एल्किल ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे CH3 है, अगर यहाँ पे C2H5 है तो यहाँ पे C2H5 होना चाहिए, सेम एल्किल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइसो। और इसके बाद क्या देखते हैं, साधारण पद्धति में कि कितना कार्बन है और उसको कौन से फॉर्म में लिखते हैं, एल्किल के फॉर्म में। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 और 4, आइसो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल, ब्यूटिल। उसके बाद क्या जुड़ा है, ब्रोमीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड। ठीक है, ये समझ में आ गया। और एक और उदाहरण देख लेते हैं, CH3 CH2 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 और क्या है, फ्लोरीन जुड़ा है। चलो ठीक है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, अगर ऐसी बहुत लंबी श्रृंखला बन रही है, ठीक है, अगर एक सीधी श्रृंखला बनी हुई है, एक सीधी और लंबी श्रृंखला बनी हुई है, अगर उसमें कोई शाखा नहीं जुड़ा है, एक लंबी श्रृंखला बनी हुई है, अगर उसमें कोई भी शाखा ऊपर नीचे यहाँ पे जैसे है वैसे नहीं जुड़ा है, तब वहां पे क्या लगाएंगे, एन। ठीक है, क्या लगाएंगे, एन। एन क्यों लगाए हैं, क्योंकि एक लंबी श्रृंखला बनी है और साथ में ना तो ऊपर की तरफ कोई कार्बन मतलब एल्किल समूह जुड़ा है, ना ही नीचे की तरफ, मतलब कोई भी शाखा नहीं है, एक सीधी और लंबी श्रृंखला है, तो साधारण पद्धति में एन लगाते हैं। एन साधारण पद्धति में क्या लगाते हैं, एन। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म में है, मतलब कितने कार्बन है, 1 2 3 4, चार कार्बन है, कौन से फॉर्म में लिखना है, साधारण पद्धति में, एल्किल फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ये भी ब्यूटिल। उसके बाद कौन सा प्रतिस्थापी जुड़ा है, फ्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। ठीक, समझ में आ गया। जब सीधी श्रृंखला होती है मतलब कॉमन सिस्टम में जब लंबी और सीधी श्रृंखला होती है, कोई शाखा जुड़ी नहीं होती है, तो वहां पे एन लगाते हैं, बस इतना है। और कल हम लोग पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम, इसको थोड़ा पढ़ के आना। धन्यवाद।